दिल्ली के बॉर्डर से आज से लौटने लगे आंदोलनकारी, केएमपी एक्सप्रेसवे से किसानों का फतेह मार्च। दिल्ली की ओर रवाना हुए हरियाणा के किसान, जीत का जश्न निकालने की तैयारी। पंजाब से भी दिल्ली की ओर निकला किसानों का जत्था, आंदोलनकारियों को वापस लाने की तैयारी। घर लौटने की तैयारी में जुटे एक साल से आंदोलन पर बैठे किसान, तंबू और टेंट समेटने की कवायद। खाली होने लगा हाईवे, पक्के मकानों को हटा रहे आंदोलनकारी, मलबे को लेकर लौटेंगे पंजाब। सिंगू बॉर्डर पर दिखा विजय दिवस का उत्साह, नारेबाजी करते देखे किसान। ट्रैक्टरों और गाड़ियों में बांधा जा रहा सामान, घर लौटने की तैयारी। यूपी बॉर्डर पर डीजे का धमाल, नाश्ते खाते देखे किसान। सुबह से ही टिकरी बॉर्डर से हटाए जाने लगे टेंट, खाली की जा रही सड़क। किसान आंदोलन के स्टार बने मेरठ के ताऊ, सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय। अलवर के शाजापुर बॉर्डर से घर लौटे किसान, दिया जीत का विक्ट्री सिग्नल। शिमू बॉर्डर पर मस्ती में झूमते नजर आया आंदोलनकारी किसान, आंदोलन स्थगित होने पर जताई खुशी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की बड़ी हलचल, टेंट हटाने में जुटे आंदोलनकारी, कल से लौटेंगे घर। दिल्ली बॉर्डर पर भी सामान समेट रहे आंदोलनकारी किसान, तेज संगीत की धुन पर जारी है जश्न। सिंगू बॉर्डर पर महिला किसानों ने काटा केक, किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। घर लौटने पर आंदोलनकारियों का होगा स्वागत, पंजाब के कई शहरों में जोरदार तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि, हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गानों की धुन पर झूमे आंदोलनकारी। समिट फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया संदेश, कहा लोकतंत्र की भावना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग। आज मेरठ में बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बलिया में विपक्ष पर किया वार, बोले पीएम मोदी ने 70 मिनट में खत्म कर दी धारा 370। गोरखपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी युवा मोर्चा के साथ किया संवाद। विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंची प्रियंका गांधी, आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस। गोवा में प्रियंका गांधी ने जाना आदिवासी महिलाओं का हालचाल, एक बुजुर्ग महिला को लगाया गले। गोवा में प्रियंका गांधी ने प्रमोद सावंत सरकार को घेरा, बोली लोगों का शोषण कर रही बीजेपी। भाजपा की सरकार ने यहाँ की जो रिसोर्सेज है उनका शोषण किया है, यहाँ के पर्यावरण को ना देखते हुए अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी सुविधाएं करके जनता के लिए पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दिया। पंचतत्व में विलीन हुए जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत, दोनों बेटियों ने माता पिता को दी मुखाग्नि। दिल्ली कैंट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ जनरल बिपिन रावत की आखिरी विदाई, 17 तोपों की दी गई सलाम। जनरल बिपिन रावत की आखिरी विदाई में पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नमाखों से दी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे करीब 800 जवान, भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा पूरा आर्मी कैंट। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, पूरे रास्ते तिरंगे के साथ दौड़ते नजर आए लोग। आखिरी यात्रा से पहले जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किए जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन, परिवार वालों को बंधाया ढांढस। जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए विपक्षी नेताओं की भी लगी कतार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा की मस्जिद में जनरल बिपिन रावत के लिए मांगी गई दुआ, ब्रिगेडियर के तौर पर तैनाती के दिनों को लोगों ने किया याद। श्रीनगर के बालामी कैंट में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि, सेना के जवानों और परिवारों ने किया याद। ब्रिगेडियर लड्डर को बेटी आशना ने दी मुखाग्नि, कहा मेरे पिता हर किसी में भर देते थे जोश, वो मेरे हीरो थे। इट्स अ नेशनल लॉस, माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। केवड़िया में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सलामती के लिए पूजा पाठ, बेंगलुरु में जिंदगी की जंग लड़ा है बेटे के लिए परिवार वालों ने किया रुद्राभिषेक।
आगामी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के घर पहुंचे सीएम योगी, परिवार वालों को दी हिम्मत। फायर सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रही है हेलीकॉप्टर हादसे की जांच, एयरफोर्स ने कहा जल्द सामने आएगी पूरी सच्चाई। आज बलरामपुर में पीएम मोदी का दौरा, 9,800 करोड़ की सरयू कैनाल परियोजना का उद्घाटन। भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पसारा पांव, महाराष्ट्र में सामने आए 7 नए मामले। मुंबई में सामने आए ओमिक्रॉन के 3 नए मामले, पिंपरी चिंचवाड़ से 4 मरीज, महाराष्ट्र में 17 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में ओमिक्रॉन के कुल 32 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी काफी अहम है अगले 2 हफ्ते। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने हालात पर जताई पैनिक नजर, कल दोपहर 2:30 बजे बैठक लेंगी कैबिनेट सेक्रेटरी। गुजरात के जूनागढ़ में बनाया रिकॉर्ड, 100% वैक्सीनेशन वाला सूबे का पहला जिला। भांजे तेजस्वी के ब्याह को लेकर भड़के मामा साधु यादव, बोले दूसरे धर्म की लड़की से शादी करके खराब किया परिवार का नाम। कोई अच्छा संस्कारी लोग नहीं गया, संस्कारी लोग का यही काम है, सब करप्ट लोग गए जो एक दूसरे में शादी किया है। हरियाणा में भर्ती घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने तेज की मोर्चा बंदी, 17 दिसंबर को विधानसभा घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, सस्ती दवा और स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का वादा। सवाईमाधोपुर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कॉलेजों में भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन से मांगा जवाब। गुरुग्राम में जारी है खुले में नमाज का विरोध, जुमे की नमाज के दौरान जमकर हुआ बवाल। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना लखनऊ में, सतीश मिश्रा बोले अपने कार्यकाल में 134 दंगे कराने का बनाया रिकॉर्ड। वाराणसी में गुलाबी रंग से पेंट किया गया कांग्रेस कार्यालय, गुस्साए कांग्रेसियों ने दिया 36 घंटे का अल्टीमेट। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद घर घर बांटे जाएंगे प्रसाद, कई जगहों पर बनाए जा रहे लड्डू। अमृतसर में डिप्टी सीएम के घर के बाहर एएनएम कार्यकर्ता का प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी हमला, पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान शहीद। बांदीपुरा में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी, दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा पहुंची पंजाब एसआईटी की टीम, बेअदबी मामले में करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ। दिल्ली के आरपीपुरम में भीषण सड़क हादसा, कार पर डंपर पलटने से दंपति की मौत, अस्पताल पहुंची 6 साल की बच्चे। कानपुर देहात में पुलिस पिटाई से घायल कर्मचारी रजनीश शुक्ल की हालत बिगड़ी, जिला अस्पताल ले जाया गया हालत अस्पताल। हथकड़ी के साथ अस्पताल में कराया गया भर्ती, थाने में भी पिटाई का आरोप, 5 घंटे में 3 FIR। गोद में लिए बच्ची के साथ पिटाई का वीडियो वायरल, इंस्पेक्टर सस्पेंड। जिला अस्पताल में धूल मिट्टी फैलाने को लेकर कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन कर रहा था रजनीश शुक्ल, पुलिस ने मौके पर जमकर पीटा। अस्पताल कर्मचारी का आरोप, निर्माण कार्य की वजह से अस्पताल में भरी गंदगी, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। कन्याकुमारी की एक घटना सुर्खियों में, जिप्सी समुदाय के परिवार को बस से उतारा गया, बस कंडक्टर ने फेंक दिया सामान, पत्नी और बच्चे रोते दिखे। आंध्र प्रदेश गुंटूर में दर्दनाक हादसा, 5 बच्चों के साथ शिक्षक कृष्णा नदी में डूबे। वेद पाठशाला में पढ़ते थे सभी बच्चे, शिक्षक के साथ गए थे नदी में नहाने। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 3 भालुओं का आतंक, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में साइबर ठगी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, ईमेल आईडी हैक करके क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 96,000 रूपए। पूरे में बंदूक दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लूटपाट, 6 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में दर्जनों सिलेंडर में धमाका, 5 घरों को बड़ा नुकसान। हावड़ा में मातम में तब्दील हुआ ब्याह का जश्न, फंदे से लटका मिला नए नवेले दूल्हे का शव। राजस्थान के बारा में मशीनरी की दुकान में आग, लाखों की संपत्ति खाक। मुरादाबाद में तमंचों के साथ पार्टी करते युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। कोलकाता में हथियारों के फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो सामने आने के बाद हड़का। अलीगढ़ में स्कूली छात्राओं से की
मतदाता जागरूकता रैली में हादसा, मशाल से निकले वैक्स से जख्मी हुई छात्राएं। बिहार के दरभंगा में घर के अंदर एक महिला दारोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौके पर मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भरत में विकी कौशल और कटरीना की शादी का समारोह, सवाईमाधोपुर से लौटा सितारों का जोड़ा। शादी में शिरकत नहीं करने वाले हस्तियों को विकी कौशल और कटरीना ने भेजा गिफ्ट, साथ में संदेश भी लिखा। मुकेश अंबानी के पोते की बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करेंगे अरिजीत सिंह, जामनगर पहुंचे बॉलीवुड के सिंगर। शिरडी के साई बाबा मंदिर में करीब 8 महीनों बाद शुरू हुआ लड्डू प्रसाद का वितरण, पहले दिन श्रद्धालुओं को मिले 11,000 पैकेट। पाकिस्तान लौटा पटना नाम का 8 दिनों का बच्चा, अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की हिंदू महिला ने दिया था जन्म। कोविड-19 के दौरान शेयर बाजार में लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज की पूंजी 68% बढ़ी, कुल 90,00,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा, अपने ग्राहकों को सामान्य बैंकों की तरह कई सुविधाएं देने का मिलेगा मौका। टॉप ऑफ होम लोन के लिए एसबीआई ने किया सस्ती ब्याज दरों का ऐलान, मौजूदा ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस से भी मिलेगा छुटकारा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गुड न्यूज, ला सकता है अगला साल, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में 2022 में घरों की कीमतों में 5% बढ़ोतरी का अनुमान। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 13 देशों में बनाया गया कृषि सेल, रियल टाइम डिमांड के आधार पर होगा निर्यात। अगले साल 10 से 15 लाख की कीमत में इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी लॉन्च करेगी एमजी मोटर्स, टाटा नेक्सन और टिगोर से होगी टक्कर। प्रगति मैदान में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सुरक्षा नागरिक और सुरक्षा फायर सेफ्टी एक्सपो का आयोजन। 4.5 वर्किंग डे वाला दुनिया का पहला देश बना यूएई। जुलिंदा सेलर्स को फायदा पहुंचाने के आरोप में अमेजन पर 9,600 करोड़ का जुर्माना। ई वाहनों को खरीदने में सबसे आगे है यूपी, नितिन गडकरी ने कहा दिल्ली और कर्नाटक दूसरे और तीसरे नंबर पर।